हेलो जी, IITN हो, 6 figure सैलरी होगी, 7 figure सैलरी भी हो सकती है, बड़ी कोठी होगी, बड़ी अच्छी गाड़ी होगी आपके पास, अच्छी बाइक होगी, ऐशो आराम में जिंदगी बीत रही होगी और भाभी जी बड़ी खूबसूरत होंगी। पर भाभी जी को तो एक IITN के बारे में यही सब कुछ सोचते हो ना? और जी सोचना क्या है, उतना ही यही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले 5 IITians ने मिलकर एक YouTube चैनल खोला और YouTube को एज अ करियर चुना और इस YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड करने लगे। इस चैनल से अपना सफर शुरू करने वाले कई सारे कलाकार आज बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और आज ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, एक कंपनी का रूप ले चुका है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरीके से एनुअली लगभग 250 से 300 करोड़ तक कमा रहा है। जानना चाहेंगे इस YouTube स्टार्टअप के बारे में? I'm not interested यार। कितना नेगेटिव आदमी है भाई। हाँ तो उसको जाके बोलना मुझे क्या बोल रहा है। समझ ही गए होंगे, TDF द वायरल फीवर, स्लैपस्टिक कॉमेडी, जेन्युइन ह्यूमर और मजे हुए कलाकारों की जुगलबंदी। लेकिन TVF का बिजनेस मॉडल क्या है, TVF कमाता कैसे है और आखिर TVF की शुरुआत कैसे हुई, ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब आज जानेंगे इस वीडियो में विद द टाइटल द सक्सेस स्टोरी ऑफ TVF। तो सबसे पहले द बिगिनिंग ऑफ TVF। तो साल था 2010, TVF के फाउंडर अरुणाभ कुमार ने अपनी 11 लोगों की टीम के साथ TVF की शुरुआत की और पता मजे की बात क्या है, इसमें सारे के सारे लगभग IITians ही थे। मन में बड़े सपनों को लेकर और कुछ अलग करने का ठान कर अरुणाभ सबसे पहले IIT खड़गपुर से बॉम्बे आए थे और बॉम्बे आकर उन्होंने सबसे पहले रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ कॉलैब किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। इसके बाद B4U और MTV जैसे बड़े एंटरटेनमेंट चैनलों को अपना आइडिया बताया, लेकिन भैया यहाँ उन्हें हाथ लगी रिजेक्शन। वैसे रिजेक्शन जरूरी होती है जीवन के लिए, तभी आप कुछ सीख पाते हैं। खैर टॉपिक पर आते हैं, तो अरुणाभ की इस टीम में जितेंद्र शर्मा उर्फ जीतू भैया अपने, अपूर्व शिंकार की, निधि बिष्ट, अमित गुलानी, विश्वप्रति सरकार जैसे टैलेंटेड लोग शामिल थे। गूगल पर अगर आप इंडिया फर्स्ट वेब सीरीज सर्च करेंगे ना तो नाम आएगा TVF परमानेंट रूममेट। ये सीरीज थी TVF की जो की आई थी साल 2014 में और देखते ही देखते ये सीरीज दुनिया की सेकेंड मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज बन चुकी थी उस दौर में। साल 2017 में आई थी TVF की पिक्चर्स। तो बियर है यूथ स्टार्टअप पर इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन शायद ही आपको किसी दूसरी वेब सीरीज में देखने को मिले। अब या फिर देखते ही देखते TVF आज एक कंपनी बन चुकी है। Why TVF is unique from others? आज TVF 250 से लेकर 300 करोड़ की नेटवर्थ कंपनी है जहाँ 250 से भी ज्यादा कॉन्टेंट क्रिएटर्स काम कर रहे हैं along with a team of pre-production and post-production. Brand, video और audience, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिन पर TVF का mainly focus रहता है। एक अच्छी script, storyline, relatable content और एक बेहतरीन cast जिनके acting से हर कोई relate कर पाता है। ये TVF की खासियत है, अपनी ऑडियंस का सिलेक्शन करना TVF को बखूबी आता है और यही वो सब चीजें हैं जो TVF को दूसरों से खास बनाती है। तो चलिए अब बात करते हैं TVF के बिजनेस मॉडल की, हाउ TVF अर्न्स। तो भैया नंबर पहला तो यही है कि TVF YouTube पर अपने वीडियोस अपलोड करता है, उन वीडियोस पर अच्छे व्यूज आते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं तो ट्रैफिक अच्छा आता है, ट्रैफिक अच्छा आता है तो गूगल एडसेंस के जरिए उस पे अच्छे एड चलते हैं और उन एड्स के जरिए रेवेन्यू जनरेट होता है और कमाई होती है। लेकिन ये तो था नॉर्मल तरीका जिससे कि बाकी यूट्यूबर्स भी पैसे कमा रहे हैं, TVF और कहां से पैसे कमाता है? तो चलिए बताते हैं आपको, स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड प्लेसमेंट। TVF के अगर पक्के वाले फैन होना तो TVF की ट्रिपलिंग सीरीज तो पक्का देखी होगी आपने। इसमें कैसे वो लोग नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में टियागो की बातें करते थे, इसकी कार में जाते हुए उन्हें दिखाया जाता था, टाटा टियागो के फीचर्स पर भी वो लोग बात करते थे विदाउट फोर्सिंग ऑडियंस टू बाय इट। ये बड़ा स्मार्ट तरीका है ब्रांड प्रमोटिंग का और इन लोगों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता था ना वो लाखों से लेकर करोड़ों तक का होता था। और अनअकैडमी प्रेजेंट्स कोटा फैक्ट्री भी याद होगा आपको, इसमें कैसे ये लोग बातों ही बातों में अनअकैडमी को प्रमोट कर रहे थे। बैच वैच से मत डर, इधर आ सत्य है, एक्सेप्ट कर। नंबर तीन, तो TVF का कॉन्टेंट एंगेजिंग और कनेक्टिंग था, लोगों को पसंद आ रहा था। इस वजह से TVF ने बाद में धीरे धीरे अपनी ऑडियंस के हिसाब से अलग अलग चैनल शुरू किए जैसे TSP, टाइमलाइनर्स और गर्ल्याफा। नंबर चार, क्रिएटिंग कंटेंट विद अदर्स। तो अब TVF इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि अब वो सिर्फ वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड नहीं करता बल्कि आउटसोर्सिंग भी करता है प्रोडक्ट्स की। मतलब ये कि इनके पास क्लाइंट्स हैं प्रोमिनेंट कंपनीज के
जो कि अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर इनके प्रोडक्शन की वीडियोस दिखाते हैं और इसके लिए लाखों करोड़ों रुपयों की एक अच्छी खासी रकम इनको मिलती है। पंचायत देखा था ना? नहीं देखा? गजब बेइज्जती है। किस पे रिलीज हुआ? Amazon Prime Video पे। लेकिन ये प्रोडक्शन किसका था? TVF का। TVF ने बनाया था और बेस डाला Amazon Prime को। ऐसे ही थी हॉस्टल डेज, जिसे बनाया तो TVF ने था लेकिन बेस डाला Amazon Prime को। सबसे पहले एप्सिलॉन लिख लो, फिर डेल्टा लिख लो। ये डेल्टा छोटा होता है एप्सिलॉन? दिख तो डेल्टा छोटा रहा है। कॉलेज रोमांस पहले TVF के सब प्लेटफॉर्म द टाइमलाइनर्स पर रिलीज किया गया, लेकिन इसका दूसरा सीजन सोनी लिव पर रिलीज किया गया। और रिसेंटली रिलीज हुई कोटा फैक्ट्री, मित्र उदय जी की है लेकिन स्नेह मुझसे ज्यादा करती है। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जिसका पहला सीजन तो रिलीज हुआ TVF के अपने चैनल में और उसके बाद क्योंकि इसका पहला सीजन बड़ा हिट रहा तो लोगों में एक एक्साइटमेंट थी इसका दूसरा सीजन देखने के लिए, इसलिए TVF ने इसका दूसरा सीजन जो है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया। इससे नेटफ्लिक्स को भी फायदा हो गया और TVF को भी। साल 2016 में टाइगर ग्लोबल कॉरपोरेशन ने TVF को 10 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग दी थी, जो कि आज के लगभग 75 करोड़ रुपए के बराबर है। और इस बड़ी फंडिंग ने TVF को तो मानो ब्रेक थ्रो ही दे दिया। और इसके बाद TVF के क्रिएटर्स ने इसे यूटिलाइज किया अलग अलग तरीकों से। एक ऐप लॉन्च किया iOS यूजर्स और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए और इस ऐप के अभी तक 50 लाख प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो भैया TVF अभी तो फ्री सर्विस दे रहा है, लेकिन जिस तरह से TVF ग्रो कर रहा है उस हिसाब से हमें लगता तो यही है कि TVF इन फ्यूचर अपना भी सब्सक्रिप्शन चार्ज रख देगा, पैसा लाए और डायरेक्ट कम्पीट करेगा Amazon Prime Video, Netflix, Sony Live, G5 जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ। और फिर पैसा ही पैसा हो गया। सो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी बहुत जल्द। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।